अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पश्तो लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इस्लामिक सेंटेंस लेकर आए हैं। अगर इस्लाम के मुतालिक आपने किसी से बातचीत करनी होती है तो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। तो टाइम इसके बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आता है, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा मत हंसो। देर मखांदा, देर मखांदा। ज़्यादा का मतलब है देर, मत हंसो मखांदा। छोटे बच्चों पर शफ़क़त किया करो, छोटे बच्चों पर शफ़क़त किया करो। वड़ो माशुमानु बंदे शफकत कवा, वड़ो माशुमानु बंदे शफकत कवा। छोटे बच्चों पर, इसका मतलब है वड़ो माशुमानु बंदे। बच्चों को पश्तो में कहते हैं माशुमान। छोटे, छोटे का मतलब है वड़ू के। यहाँ पे आ रहा है छोटे बच्चों पर, तो इसको कहेंगे वड़ो माशुमानु बंदे। शफकत क्या करो, शफकत कवा। शफकत को पश्तो में भी शफकत कहते हैं। अपने मुसलमान भाई की मदद करो, अपने मुसलमान भाई की मदद करो। दखपल मुसलमान रोर मदद उका, दखपल मुसलमान रोर मदद उका। अपने का मतलब है खपल। भाई को पश्तो में कहते रोर। मदद करो, मदद उका। झूठ बोलने की आदत तुम में ख़राब है, झूठ बोलने की आदत तुम में ख़राब है। इसको कहेंगे द दरोग व यलो आदत स्ताके ख़राब दे, द दरोग व यलो आदत स्ताके ख़राब दे। झूठ को कहते दरोग, बोलने की द व यलो, तुम में, इसका मतलब है स्ताके, ख़राब है यानी के ख़राब दे। वालदेन का एहतराम करो, वालदेन का एहतराम करो। द मोर प्लार एहतराम कवा, द मोर प्लार एहतराम कवा। मर्द घर में नमाज नहीं पढ़ता, मर्द घर में नमाज नहीं पढ़ता। सड़े पकोर के मुंज न कभी, सड़े पकोर के मुंज न कभी। मर्द को पश्तो में कहते सड़े, घर में पकोर के, घर को कहते कोर। नमाज का मतलब है मुंज, नहीं पढ़ता न कभी। मर्द घर में नमाज नहीं पढ़ता, सड़े पकोर के मुंज न कभी। जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो। लाड़शा जुमात की मुंज उका, लाड़शा जुमात के मुंज उका। या फिर इस तरह भी कहेंगे कि जा जुमात के मुंज उका। जाओ का मतलब है लाड़शा या फिर जा। मस्जिद में, जुमात के, मस्जिद को पश्तो में कहते जुमात। नमाज पढ़ो मुंज उका। नियत साफ मंजिल आसान, नियत साफ मंजिल आसान। इसको पश्तो में कहेंगे नियत सफा मंजिल आसान, नियत सफा मंजिल आसान। तुम हर वक्त गीबत करते हो, तुम हर वक्त गीबत करते हो। इसको पश्तो में कहेंगे ता हर वक्त गीबत कवे, ता हर वक्त गीबत कवे। तुम का मतलब है ता, हर वक्त, हर वक्त। गीबत करते हो, गीबत कवे। किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। चाहता तकलीफ मवर कवा, चाहता तकलीफ मवर कवा। किसी को, इसका मतलब है चाहता। तकलीफ मत दो, तकलीफ मवर कवा। लोगों को धोखा मत दो,
लोगों को धोखा मत दो तो इसको पश्तो में कहेंगे खलकोता धोखा मवरकवा, खलकोता धोखा मवरकवा। लोग को पश्तो में कहते खलक, लोगों को यानी के खलकोता, धोखा मत दो, धोखा मवरकवा। धोखा को पश्तो में भी धोखा कहते हैं, मत दो मवरकवा। तुम नेक इंसान हो, तुम नेक इंसान हो, तो नेक इंसान ये, तो नेक इंसान ये। तुम का मतलब है तो नेक को पश्तो में भी नेक कहते हैं, इंसान हो इसका मतलब है इंसान ये। नमाज में सुस्ती मत करो, नमाज में सुस्ती मत करो, इसको पश्तो में कहेंगे पमंजके सुस्ती मकवा, पमंजके सुस्ती मकवा। नमाज में इसका मतलब है पमंजके, सुस्ती मत करो, सुस्ती मकवा। ये पैसे गरीबों में तकसीम कर दो, ये पैसे गरीबों में तकसीम कर दो, इसको पश्तो में कहेंगे दा रुपये पर गरीबानों की तकसीम का, दा रुपये पर गरीबानों की तकसीम का। ये पैसे इसका मतलब है दा रुपये या फिर दा पैसे, गरीबों में इसका मतलब है गरीबानों के, तकसीम कर दो इसका मतलब है तकसीम का। रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है, दरोजे म्याश रवाना दा, दरोजे म्याश रवाना दा। रमज़ान का महीना इसका मतलब है दरोजे म्याश, आ रहा है इसका मतलब है रवाना दा। बुज़ुर्गों का एहतराम करो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो, इसको पश्तो में कहेंगे द बुज़ुर्गानो एहतराम कवा, द बुज़ुर्गानो एहतराम कवा। बुज़ुर्गों का इसका मतलब है द बुज़ुर्गानो, एहतराम करो, एहतराम कवा। जाओ नमाज पढ़ो, जाओ नमाज पढ़ो, जा मुंज उका, जा मुंज उका, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि लाड़शा मुंज उका। जाओ के दो मतलब है जा या फिर लाड़शा। नमाज को पश्तो में कहते हैं मुंज। तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ा, तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ा, ता उसा पूरे मुंज न दे कड़े, ता उसा पूरे मुंज न दे कड़े। अपने माल में से ज़कात निकालो, अपने माल में से ज़कात निकालो, इसको पश्तो में कहेंगे दखपल मालना ज़कात उबासा, दखपल मालना ज़कात उबासा। ज़कात निकालो इसका मतलब है ज़कात उबासा। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है, इसको पश्तो में कहेंगे मुंज द दीन सुतून दे, मुंज द दीन सुतून दे। घर में नमाज नहीं पढ़ो मस्जिद में पढ़ो, घर में नमाज नहीं पढ़ो मस्जिद में पढ़ो, इसको कहेंगे कोर के मुंज मकवा जुमात के कवा, कोर के मुंज मकवा जुमात के कवा। घर में इसका मतलब है कोर के, नमाज नहीं पढ़ो मुंज मकवा, मस्जिद में पढ़ो जुमात के कवा, मस्जिद को जुमात कहते हैं। अपने नज़रों की हिफाजत करो, अपने नज़रों की हिफाजत करो, इसको पश्तो में कहेंगे दखपल नज़र हिफाजत कवा, दखपल नज़र हिफाजत कवा। अपने नज़रों की इसका मतलब है दखपल नज़र, हिफाजत करो, हिफाजत कवा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे कुछ इस्लामिक सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को पश्तो ज़बान में सिखा दिए है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।